हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मेरा नाम है जावेद। आप देख रहे हैं हेल्पफुल लॉसो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंडियन रेलवे IRCTC से रिलेटेड तीन लेटेस्ट अपडेट आज मैं लेकर आ चुका हूं। पहला लेटेस्ट अपडेट है पहली बार विदेश पहुंची स्पेशल पार्सल ट्रेन, और दूसरा लेटेस्ट अपडेट जो होगा वो कुछ ट्रेनों का शेड्यूल और टाइम बदल दिया गया। हफ्ते में एक दिन चलेंगी कुछ ट्रेनें, जो स्पेशल ट्रेनें चलती थी उनका शेड्यूल कुछ चेंज किया गया है। और तीसरा लेटेस्ट अपडेट जो होगा, इंदौर हावड़ा सहित जल्द ही चलेंगी 90 स्पेशल ट्रेनें। दोस्तों, ये तीनों लेटेस्ट अपडेट को कुछ नई जानकारी देंगे, तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। आगे बढ़ने से पहले प्यार भर रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और ऐसी हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, बढ़ते हैं पहले लेटेस्ट अपडेट की तरफ। इंडियन रेलवे ने एक नया कीर्तिमान अपने नाम कर लिया है। भारतीय रेल ने पहली बार पार्सल ट्रेन भारत से बाहर भेजी है। रेलवे ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले से सूखी मिर्ची की विशेष पार्सल ट्रेन अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश तक पहुंचाई है। दोस्तों, आपको बता दूं, जब ये पार्सल ट्रेन नहीं चलती थी, ऐसे ही रास्तों से गाड़ियों से सफर करते थे लोग, तो आपको बता दूं, एक टन की कीमत पहुंचाई जो होती थी वो 7,000 के करीब आती थी, लेकिन इस पार्सल ट्रेन की वजह से 4600 माल ढुलाई हुई है। तो यहाँ पर किसानों का बहुत ज्यादा फायदा हुआ है इस ट्रेन चलने की वजह से। दोस्तों, बढ़ते हैं दूसरे लेटेस्ट अपडेट की। अब दूसरा लेटेस्ट अपडेट है कि कुछ ट्रेनों का शेड्यूल बदल दिया गया। यहाँ पर आपको बता दूं, ट्रेन नंबर 02304 नई दिल्ली हावड़ा स्पेशल ट्रेन वाया पटना 12 जुलाई से सिर्फ रविवार को चलेगी, और यहाँ पर 02381 हावड़ा नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन वाया धनबाद 16 जुलाई से सिर्फ गुरुवार को चलेगी, और ट्रेन नंबर 02382 नई दिल्ली हावड़ा स्पेशल ट्रेन वाया धनबाद 17 जुलाई से सिर्फ शुक्रवार को चलेगी। दोस्तों, इन ट्रेनों का शेड्यूल बदल दिया गया, टाइम बदल दिया गया। अगर आपको ट्रेवल करना है तो पहले टाइम टेबल और शेड्यूल देख लीजिएगा, तभी ट्रेवल करिएगा। दोस्तों, बढ़ते हैं तीसरे लेटेस्ट अपडेट। तीसरा लेटेस्ट अपडेट जो निकल कर आ रहा है, 90 नई स्पेशल ट्रेनों के बारे में निकल कर आ रहा है। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे लॉकडाउन में चल रही स्पेशल ट्रेनों की संख्या बढ़ाएगा। इसके लिए देश भर में 90 ट्रेनों को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। इसमें रतलाम की इंदौर हावड़ा एक्सप्रेस भी शामिल है। अनलॉक वन में रेलवे ने 1 जून से 100 जोड़ी ट्रेन चलाना शुरू किया था। एक माह के डाटा को एनालिसिस करने के बाद रेलवे ने ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की कोशिश चालू कर दी है। मंडल की इंदौर हावड़ा एक्सप्रेस का शेड्यूल फाइनल होकर पश्चिम रेलवे मुख्यालय मुंबई के मार्फत रेलवे बोर्ड तक पहुंच गया है। पहली से 15 अगस्त के बीच रेलवे नई ट्रेनों को चलाने की घोषणा कर सकता है। 12 अगस्त तक वैसे भी रेलवे की सारी नियमित ट्रेन निरस्त हैं। DRM विनीत गुप्ता ने बताया, दूसरे फेज में देश में 90 स्पेशल ट्रेन चल सकती हैं। कब से चलेंगी इसका फैसला अभी रेलवे बोर्ड ने नहीं लिया है। दोस्तों, जैसे ही कोई फैसला होगा सबसे पहले इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा दूंगा। उसके लिए जरूरी है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।